तो दोस्तों मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती है, गब्बू को आती है। गब्बू क्या 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 दे रखा है मैडम ने मेरे को? ये क्या लिखा है? रेलवे। रेलवे ट्रेन। तो अभी पढ़ा था। अरे ये तो हार्ड वर्ड होते हैं जी। पढ़ो क्या क्या अब इंग्लिश में पढ़ो। चलो हमारे गोला को क्या क्या आता है इंग्लिश में? लाइक दिस, लाइक ये देखो हमारे फ्रेंड वॉच बिकॉज पुश अवेलेबल हॉबी। हॉबी मींस हॉबी मतलब पसंद हमारी। ओके ड्राइंग पसंद है। प्लेजर मतलब आराम। रीजन तो रीजन सबको अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। अच्छा उसके इंग्लिश मीनिंग? Everybody has different things to like. Good. Different enough. We wear cotton dress in summer season. Okay, Hindi में. Summer का season चल रहा है तो हम cotton dresses पहन रहे हैं। Cotton, ये भी cotton, ये भी cotton. हाँ, yes. Our vegetable market is always full of people. क्या हुआ इसका meaning आप बताओ? मेरे को नहीं है यार पता, आप बताओ ना मुझे। Vegetable में सब्जियाँ मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। पीपल मतलब लोग। यस ऑल ऑफ अस हैव सम हॉबी। मम्मी कहते को इंग्लिश नहीं आती। ऑल ऑफ अस हैव सम हॉबी। सबके पास अलग अलग हॉबी होती है। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है गब्बू को डांटना और पढ़ने के लिए बोलना कि पढ़ो। आपकी क्या हॉबी है? मेरी हॉबी है भूल गई ड्राइंग करना। बस कुल दोनों बहनों की ड्राइंग करना और नहीं है कुछ। ड्राइंग एंड क्राफ्ट बनाना, आर्ट बनाना और एक्टिविटीज करना और पढ़ाई और कला। भाई सुनना ले भाई सुनना ले धीरे धीरे पुट कोई सुनना ले सुनना ले।